हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास ट्वेल्थ टूडेज इन माय वीडियो लेक्चर वी स्टार्ट द चैप्टर सॉल्यूशंस टू द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी टॉपिक दैट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड लाइन बाय लाइंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड कंपटीशन व्यू। सो ए सजेशन वी प्रोवाइड्स यू ऑलवेज स्टडी NCERT books firstly and after it other books. So important points: almost all processes in body occur in some kinds of liquid substance. The substance जो है ये हमारे body में जो भी कोई reactions होता है वह liquid substance form होता है। That is termed as solutions. In normal life, we rarely come across pure substance. Students, normal life में अगर देखा जाए तो pure substance rarely हमको मिलता है। अगर जिधर भी हम देखेंगे उधर को दिखाई देगा मिक्सचर, कंपाउंड्स, सोल्यूशन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स। Most of these are mixtures containing two or more pure substances. Their utility of importance of life depends on their compositions. For examples, the process of brass, the properties of brass, brass mixture of copper and zinc, that is important points. Students, for the view of competition and board exams are quite different from those of German silvers, that is a mixture of copper and mixture of copper, zinc and nickels and bronze. Students, there are three type of alloy: brass that is mixture of copper and zinc, copper and zinc, and German silver is a mixture of copper, zinc and nickel, and bronze a mixture of copper and tin. These are a mixture and a type of alloy. One part per millions of fluoride ions in water prevents tooth decay. That is important points. Students, जो है ये जो fluorides that is a fluorosis process and causes of tooth decay. Students, small amount of fluorines that is one part per million ppm of fluorides ion in water prevent tooth decay. यह टूथ डीके को प्रिवेंट करता है फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। वाइल 1.5 ppm काजेज टूथ टू बिकम मोल्टेड एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइनस। तो इसमें इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा कि 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन होता है तो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, और 1.5 ppm अगर फ्राइड हो जाता है तो वह टूथ टू बिकम मोल्टेड और टूथ मोल्टेड होने लगता है, एंड हाई कंसंट्रेशन अगर होता है फ्लोराइड आयन की कैन काज पॉइनस और वो पॉइनस होता है। फॉर एग्जांपल्स, सोडियम फ्लोराइड sodium fluoride is used in rat poisonous intravenous injections are always dissolved water containing salts at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on.
Students, in this units, we will consider mostly liquid solution and their formations. This will be followed by studying the properties of solution. Students, इस units में हम solutions, different type solution देखेंगे. How can I solution prepared? Solution हम prepared कैसे करते हैं? Like वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेपर प्रेशर का भी रोल देखेंगे. वी विल बिगिन विद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. इसके बाद इसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में जो दिया गया एनसीईआरटी में, सब एक एक पॉइंट को हम जो डिस्कस करेंगे. एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को भी इसमें सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, वी सी द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशन के टाइप्स को देखेंगे. सॉल्यूशन कितने टाइप्स होते हैं? सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स, सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है. बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन्स दैट इट्स कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. इसमें सोल्यूशन हम उसको कहते हैं जो होमोजीनियस हो, और सोल्यूशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू नो दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स जब ये मिक्स होते हैं एंड होमोजीनियस फॉर्म में, तो दैट इज नोन एज सोल्यूशन. तो सोल्यूशन होमोजीनियस का कुछ की हमने कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया, और ये आपका शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन प्रिपेयर किया. और ये जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, इसमें सपोज कीजिए पॉइंट हम यहाँ दे दे रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड. अगर पॉइंट फर्स्ट से अगर हम आउटेड करें, तो इसका भी वही टेस्ट होना चाहिए. जो पॉइंट सेकेंड से अगर हम सोल्यूशन को बाहर करें, मीन्स शुगर एंड वाटर के सोल्यूशन को, तो उसका भी टेस्ट हमको सेम मिलेगा. अगर इसके वन ड्रॉप को भी बाहर निकाल कर हम टेस्ट लें, तो उसका भी टेस्ट वही मिलेगा. इसका मीन्स यह है कि सॉल्यूट पूरे सॉल्वेंट में वह जो है इक्वल वॉल्यूम्स में, इक्वलिटी में वो स्कैटर्ड है, तब इसको हम कहते हैं होमोजीनियस. तो मीन्स यूनिफॉर्मली सॉल्यूट स्कैटर यूनिफॉर्मली इन टोटल सॉल्यूशन, दैट इज होमोजीनियस. कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, यू नो दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू कंपोनेंट, द अमाउंट लेस अमाउंट दैट इज सॉल्यूट और मोर अमाउंट दैट इज सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूशन हम कोई प्रिपेयर करते हैं जिसमें लेस अमाउंट जो क्वांटिटी होती है, सपोज कीजिए कि ए एंड बी को हमने मिक्स किया और कंपाउंड सी बनाया, और सी हमारा सॉल्यूशन बना, और इसमें अगर ए की अमाउंट ए होगा तो ए वर्क एज ए सॉल्यूट, और बी का अमाउंट अगर अधिक होगा तो बी वर्क एज ए सॉल्वेंट्स, दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स. तो सॉल्यूशंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ फेज सॉल्यूशन आर 9 टाइप्स. जैसे फेज दैट इज सॉलिड्स लिक्विड गैस की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या दिखाते हैं? फर्स्ट में सॉलिड इन सॉलिड, सेकेंड सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड्स. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिक्विड को लेते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस. अगर सेम ऐसे हम गैस को लेते हैं, क्या मिलेगा? गैस इन गैस हो जाएगा, गैस इन गैस इन लिक्विड हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा गैस इन सॉलिड हो जाएगा. तो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉलिड्स दैट इज गिवेन इन द टेबल्स. इसमें से टेबल में आपको दिया गया है.
नाइन टाइप सॉल्यूशंस, और नाइन टाइप जो सॉल्यूशंस है ये टेबल में आपको दिया गया है विथ एग्जांपल, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें इस टेबल्स को आप अच्छी तरह वॉच करेंगे और इसको आप जो है राइट एंड लर्न करेंगे। जैसे यहाँ दिख रहे हैं गैसियस में, तो गैस फॉर्म सल्यूट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, सल्यूट सॉल्वेंट गैस फॉर्म, सल्यूट गैस लिक्विड सॉलिड थ्री फेज। सेम ऐसे ही हम यहाँ चेक कर रहे हैं सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड लिक्विड्स एंड दैट इज सल्यूट्स, और नेक्स्ट दैट इज सॉलिड, सॉलिड सॉलिड इन गैस, सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड्स एंड एग्जाम्पल्स। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स ये टाइप ऑफ सोल्यूशन नाइन टाइप्स, इसको आप अच्छी तरह वॉच कर लीजिएगा, रिटेन एंड लर्न कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स।